हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों आप घर बैठे कैसे आप अपना गाड़ी का आरसी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरसी बुक को डाउनलोड करने की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको वहां से आरसी बुक तुरंत नहीं दी जाती है, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और जो आरसी बुक होती है उसे आपके घर पे कुरियर के द्वारा भेजी जाती है, लेकिन दोस्तों उसमें भी कभी कभार दिक्कत ये होती है कि वो आरसी बुक आपके घर पे नहीं आ पाता है, जिस वजह से आप आरसी बुक जो है उसे आप कहीं भी यदि आपसे ट्रैफिक पुलिस पूछता है तो आप उसे शो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप वो आरसी बुक आपके घर पे आ भी जाती है तो दोस्तों आप उसे कैरी कर सकते हैं। आप अपने बाइक में जो होता है एक बॉक्स होता है उसमें आप लेकर जा सकते हैं, या फिर उस आरसी बुक को प्रिंट आउट करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपको कहीं वो आरसी बुक गुम हो जाए या फिर भूल जाए या फिर आप ले जाना भूल जाए, तो दोस्तों आप उस आरसी बुक को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसे ऑनलाइन आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जब भी आपसे कोई ट्रैफिक पुलिस पूछता है तो आप उस आरसी बुक को वहां पे शो कर सकते हैं और वो आरसी बुक पूरी तरीके से वैलिड होती है। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप उस आरसी बुक को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं गाइस और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन टेक। दोस्तों, आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अपना आरसी बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे चले आना है। देखिए, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको फिर से जाना है आपको डिजी लॉकर में। देखिए, यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर में और जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है डिजी लॉकर। ठीक है, देखिए जैसे आप डिजी लॉकर टाइप करेंगे तो आपको ऊपर में डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया गया है। ये दोस्तों एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आप कोई भी जो भी आपका आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों आप यहां से डाउनलोड करके आप इसे ऑनलाइन सेव करके रख सकते हैं। ये दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जब विजिट करते हैं तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको वैल्यू देगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो आरसी बुक होता है उसे आप कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इसे डिजी लॉकर को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड करने के बाद इस डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देखिए, मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ और ओपन करने के बाद आप इसका जो डिजी लॉकर का एप्लीकेशन है दोस्तों ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद दोस्तों आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे चले जाना है। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का एक यहाँ पर लोगो बना हुआ है, इसमें आपको डायरेक्ट लिंक किया रहता है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 5 सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप इसमें से जो भी चाहते हैं आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर डाउनलोड करने के बाद उसके बाद हम लोग करना क्या है, देखिए आपको हम लोग करना क्या है, आरसी व्हीकल को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल को आपको सेलेक्ट करना है और करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हूँ और डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेचिस नंबर डालना है जो कि आपका गाड़ी में लिखा रहता है। जब भी आप इंश्योरेंस बनवाते हैं या फिर आपका आरसी बुक इशू होता है तो उस पर आपको चेचिस नंबर दिया रहता है। तो दोस्तों आपको वो चेचिस नंबर डाल देना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे चेचिस नंबर भी डाल चुका हूँ। और डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए, मैं यहाँ से क्लिक कर चुका हूँ और क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर देख रहे हैं फेच हो रहा है, और फेच होने के बाद योर स्टेशन ऑफ व्हीकल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड बाय द इशू डॉक्यूमेंट। तो इशू डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो भी आप
इस डॉक्यूमेंट को इशू करवाए हैं वो आपको यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल को डाउनलोड किया हूँ, तो मैं इससे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जितना भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दिया रहता है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और ये दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में एक और ऑप्शन मिलेगा कि डिड यू नो, दोस्तों कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल आरसी फ्रॉम डिजी लॉकर नाउ एक्सेप्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। यदि दोस्तों आप कहीं भी जा रहे हैं और आपसे ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको आरसी बुक दिखाने के लिए मांगता है, तो दोस्तों आप इस आरसी को दिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है दोस्तों। तो इस आरसी बुक को आप इस एप्लीकेशन के मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे कि डिड यू नो लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि व्हीकल आरसी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी बुक को आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो क्या ये आपके लिए वैलिड है या नहीं। तो दोस्तों वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल आरसी फ्रॉम द डिजी लॉकर आर नाउ एक्सेप्टेड बाई द ट्रैफिक पुलिस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। पर मोटर व्हीकल एक्ट जो 2020 में इसे पारित किया गया था, इसके तहत ये कहा गया है कि यदि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी बुक को ऑनलाइन डिजी लॉकर के थ्रू डाउनलोड करता है और उसे ट्रैफिक पुलिस को शो करता है दोस्तों, तो वो ट्रैफिक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है और वहाँ पे आप शो कर सकते हैं और आप पेनल्टी देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।